मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज आ गया है वीकेंड, सैटरडे। आज सैटरडे है तो बस भाई मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी 8 बज रहा है तो बस मैं सो के उठ गई हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? और आज मैं आपको अपना दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो बस वही, आज कुछ खास ऐसा प्लान नहीं है, घर पर ही रहने का प्लान है तो बस यही होगा। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मैंने मतलब मॉर्निंग में ब्रश वश उठ के कर लिया है। अभी तेजस सो रहे हैं तो मैं सोची जल्दी से नहा लूँ, भी मेरे बाल वाल ऐसे लग रहे हैं क्योंकि अब सो के उठे हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा। तो बस सब मैं सो के उठी हूँ, जा रही हूँ तो मैं जल्दी से फटाक से नहा के फिर आपसे मिलती हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे और आगे का दिन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आ गई हूँ वापस और मैं आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। फिर नहाने के बाद मैंने भैया उठ गया था तेजस, तो फिर उसको नाश्ता उसका सब कुछ चल रहा था, हम लोग ने फिर नाश्ता किया, फिर मैंने मशीन लगा ली थी तो कपड़े वगैरह वो सब धोए, तो बस यही सब चल रहा था कपड़े उपड़े धोने के बाद। फिर मैंने खाना बनाया, आज खाने में बनाया था पूड़ी सब्जी और रायता। वैसे मैं पूड़ी बहुत कम बनाती हूँ, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट आज आलू टमाटर मटर की सब्जी उसके साथ तो पूड़ी हस्बैंड को अच्छी लगती, तो उन्होंने कहा पूड़ी खाएंगे साथ में, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो फिर साथ में पूड़ी बनाई, तो बस यही हुआ। कपड़े चल रहे हैं और बाहर का मौसम अचानक से एकदम बदल गया है। रुकिए मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ बैक करके, इधर से मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये देखिए अचानक से एकदम तेज़ हवा चलने लगी, मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए ये एकदम तेज़, ये देखो बहुत सारे कपड़े हैं। तो देखिए हवा से कैसे वाल रहे, अचानक से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। रुकिए मैं आपको बादल देखिए, सब कितने काले काले बादल हैं। अचानक से ऐसे ही होता है, ये बैंगलोर का मौसम जो है ऐसे ही चेंज हो जाता है सडनली। और बस ये हमारे घर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और सामने भी कुछ बन रहा है बस। तो ये है मेरे घर के सामने की गली, देखिए पेड़ वेड़ लगे। यहाँ बैंगलोर में ग्रीनरी बहुत है, आप ये देखिए, ये जितने भी घर होंगे मोस्टली हर एक घर के पास पेड़ लगे। चलिए तो फिर अंदर चलते हैं, अचानक से मौसम बहुत ही ज़्यादा हवा हो गई है। तो देखिए जैसा कि मैंने भी दिखाया था बारिश, मौसम अच्छा हो रहा है, देखिए तुरंत बारिश होने लगी। यहाँ का यही है, जैसे भी मौसम थोड़ा सा हवा चलेगी तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। आओ के बाहर आओ, चलो आओ आओ आओ, हाथ पकड़ लो, मम्मा का हाथ पकड़ लो, मम्मा का हाथ तू पकड़ लो। वाओ मजा आ रही, वाओ बोलो, वाओ तेज़ वाओ बोलो, वाओ नहीं बोलोगे तेज़, निन्नी पूरी हो गई है नहीं हुई है? ओ अभी और निन्नी करनी है, बोलो। ओ क्या देख रहे हो तेज़, टीवी देख ले, हो टीवी देख रहे हैं, मजा आ रहा है। ओके ओके ओके, भूख लगी है? भूख लगी है? नहीं लगी भूख तो कभी। ओ माय गॉड निन्ना आ रही है, मम्मा खाना के लिए ले आए, खाई करेगा भैया, मम्मा खाई के लिए ले आए, मम्मा खाई के लिए ले आए। तो तेजस उठ गए हैं
और मम्मा पूछ रही तेजस कुछ खाना है, तो तेजस बोले नहीं। तेजस आप नहीं नहीं प्लीज खा लीजिए, तेजस प्लीज खा लीजिए। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, हाय कर दो सबको। हाय हाय करोगे? हाय करो। हाय हाय नो। तो चलिए अब तेजस सुट गया है, अब मैं उसके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था यहाँ बारिश हुई है, अब देखिए बारिश के बाद का हाल। बारिश के बाद इतनी धूप आ गई, बट हाँ मौसम अभी लग रहा है बारिश के लिए। देखिए बादल अभी भी ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने के लिए चले हैं, जैसे मौसम थोड़ा सा, और मौसम देखिए फिर चेंज हो रहा है। देखा बाहर बारिश हो रही है, अब बारिश में तो कहीं जाने का कोई मतलब होता नहीं है, तो बस सब हम लोग घर पे बैठेंगे, घर पे इंजॉय करेंगे। ये कह रहे हैं कि पकोड़े बनाओ, पकोड़े खाने का मन हो रहा है। ऑब्वियसली अब इतना अच्छा मौसम है तो पकोड़े खाने का मन तो होता ही है, तो बस अब मैं वही बनाऊँगी। अभी देखिए थोड़ी देर बैठे हैं, अभी एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट खाना खाया, तो अभी मेरा तो मन नहीं हो रहा है, बट हाँ आप थोड़ी देर से पकौड़े बनाएंगे। हम लोग चाय नहीं पीते, अच्छा जैसे कि बहुत कम चाय पीते। मैं तो बचपन से, मेरे ख्याल से मैंने बचपन से आज तक कभी भी चाय नहीं पी है, और जो हस्बैंड है वो भी बहुत रेयर केस में कभी कदार पी लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग में से कोई चाय नहीं पीता। हम लोग के यहाँ चाय पत्ती नहीं आती, कभी कदार जैसे मेरे फैमिली से कोई आएगा, पापा वगैरह, तो वैसे तो ले आते हैं, मतलब कभी अगर ध्यान नहीं गया तो। चाय पत्ती घर पर बहुत ही कम अवेलेबल रहती है, इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो कॉफ़ी वगैरह तो रहती है, तो पर मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती हूँ, हस्बैंड कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा एक छोटू सा व्लॉग, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया मैं क्या करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि शायद कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपको दिखाऊँगी, बट कोई नहीं कल जाएंगे, अभी तो बहुत सारे दिन आएंगे, तो अब हम लोग जब जाएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। और तेजस जो है वो अपने दूसरे रूम में खेल रहे हैं, रुकिए मैं उनको बुलाऊँ, शायद आ जाए। भैया तेजस भैया, वैसे चांसेस तो कम है कि आएगा, तो अभी वो खेल रहा है क्योंकि अभी जैसे उसका मूड हो जाता है खेलने का तो वो खेलता है। ओ पर भैया आ गए, तेजस आइए इधर आइए जल्दी से, फोन। तेजस इधर आओ मम्मा पास आओ। तेजस ये चूती है भैया की, ओ ओ अच्छा बाय कर दो, बाय 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 करो। तो बस चलिए फिर तेजस भी जा रहे हैं खेलने, और मैं भी अपना काम काज करूँ, कुछ बनाऊँ पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ। आप लोग भी इंजॉय करिए, आप लोग के यहाँ भी कैसा मौसम है मुझे बताइएगा, और आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये भी मुझे बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।